केवल सहजी साहब के आदेश के अनुसार हमारे कठुआ में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे स्कूल जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं उनके नाम, हमारे रोड के नाम, हमारे जो वीर सिपाही हैं, हमारे जो जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी उनके नाम पर रखे जा रहे हैं, और उसी क्रम में आज ये दूसरा कार्यक्रम यहाँ पर चकवा में किया जा रहा है। ये मौका है हम सभी के लिए अपने उन वीर सपूतों को याद करने के लिए। जैसा कि आज यहाँ पर बताया गया कि 1948 में अपने देश के लिए लड़ते हुए हमारे शहीद भूपादित्य जी ने अपना जीवन न्यौछावर किया, और उसके लिए उनको वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया, जो कि एक वॉर टाइम का ही एक बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है। मैं आज उनको नमन करता हूँ, उनके पूरे परिवार को नमन करता हूँ कि उन्होंने अपना जीवन इस देश की रक्षा के लिए न्यौछावर किया। हायर सेकेंडरी चंद्रवा का नाम जोड़ा है, अच हायर सेकेंडरी भूपादित्य जी के नाम पर, क्योंकि उन्होंने इस धरती में इस माँ का जरा कर्ज है वह भी चुकाना बड़ा मुश्किल है। जी जन्म दी माँ कर्ज उन्हें भी चुकाई सकते, लेकिन धरती माँ जिसे आते साढ़े शहीद भूपादित्य होर अपनी कुर्बानी दी, अज उनका यादगार अज उनके नाम पर अज दिन मनाया जा रहा है। अज उनका नाम अज हायर सेकेंडरी उनके नाम पर रख गई है। हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के निर्देश के अनुसार हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो हमारे वीर शहीद हैं उनको याद करते हुए, और जो हमारे इसके अलावा भी जो लिटरेरी पर्सन हैं उनको याद करते हुए डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और रोड्स उनका नाम उनके नाम पर किया जा रहा है। केवल हम ये आज़ादी का जो हम अपने 75वें साल मना रहे हैं उसमें ना केवल अपने वीर शहीदों को याद करें, बट उसके साथ साथ उनके जीवन से प्रेरणा भी हमारी आने वाली जनरेशन ले सके। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पर हमारा दूसरा प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमारे शहीद भूपादित्य सिंह जी जिन्होंने 1948 की वॉर में चिड़ीकोट में पुंछ सेक्टर में लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, उसके लिए उनको वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया, उसी के कार्यक्रम आज यहाँ पर किया गया। उनके नाम पर हायर सेकेंडरी स्कूल चंदवा का नाम उनकी याद में यहाँ पर रखा गया है, और ऐसे प्रोग्राम आगे भी हमारे चलते रहे। होती हूँ वो मेरे दादाजी थे, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो हमारे शहीद भूपादित्य सिंह जी जो थे उनके नाम पे स्कूल का नाम रखा गया। इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे गांव के लोग, आसपास के लोग जो इस स्कूल में आके पढ़ेंगे, उनको पता चलेगा कि 1948 में कोई शहीद था जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी।